नगर में चोरियों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन हो रही चोरियों में सूने घरों को, दुकानों को चोर निशाना बना रहे हैं। वहीं तड़के सुबह लगभग 3 बजे के आसपास बीज भंडार रोड पर बने लकी ड्राई फ्रूट की दुकान गोदाम से पीछे से ऊपर चढ़कर गेट तोड़कर चोर चोरी कर ले गए। दुकान संचालक प्रमोद तीजवेलासी ने बताया कि कल रात दुकान बंद कर गए। सुबह आकर देखा तो दुकान के ऊपर के गेट टूटे हुए हैं और चोर ने गेट तोड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरकर सीसीटीवी कैमरे के तार निकाल दिए और दुकान में लगी एलईडी टीवी, काजू बादाम जिसकी कीमत लगभग आधा लाख से अधिक थी, गल्ले में रखे 5,000 रुपये चोर चुरा कर छत के रास्ते दूसरी मंजिल से दुकान के पीछे ले गए। दुकान संचालक ने अन्य सामान का अभी अनुमान नहीं लगा पाया है और पुलिस मौके पर पहुंची है। सीसीटीवी खंगाले तो उसमें चोर सीढ़ियों से आता नजर आ रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। नगर में चोरियों का मुख्य कारण स्मैक और सट्टा है। करेरा नगर में चोरियां होने का मुख्य कारण लोगों में स्मैक का नशा और आईपीएल में सट्टा लगाने, जुए हारने से लोग चोरियां करते हैं, जिस पर पुलिस का कोई शिकंजा नहीं है। अगर कई घर बर्बाद होने की कगार पर आ गए, पुलिस प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। हम रात को दुकान बंद करके चले गए थे, सुबह अभी दुकान खोली तो एलईडी नहीं मिली यहाँ पे और ऊपर से गेट टूटा हुआ है, शायद सब्बल से तोड़ा है शायद, और इसमें कुछ गड्डी मड्डी रखी थी 10-10 रुपये की, बाकी नोट तो हम ले जाते हैं। शायद ये काजू की अलवारी और शायद ये बादाम की अलवारी, ये खाली है और बाकी कलदार रखे थे कटोरी में, वो भी गायब हैं। और अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है इस दुकान में कि कितना सामान गया है, क्या गया है, लगभग कितने की चोरी होना चाहिए। बहुत ही मुश्किल है क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आता, फिर भी 50,000 रुपये की आप चोरी कर सकते हैं। ठीक है, आपने पुलिस को इतला कर दी? अभी जा रहे हैं, अभी आते ही जा रहे हैं थाने पर। सीसीटीवी कैमरे में आपको देखा कुछ पता चला कि नहीं? सीसीटीवी कैमरे में लड़का आ रहा है ऊपर जीने से और सही दिख नहीं रहा है, बस दिख ही नहीं रहा है। करेरा से संजय गुप्ता बिलैया की रिपोर्ट।